तो स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी बना है जो कंपनी के लिए एक क्लियर कट अंदाजा देने वाला है कि कौन सा दिशा में वो जाने का कोशिश करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स, देखिए कल्याण ज्वेलर्स इंडिया की अभी सेकेंड लार्जेस्ट ज्वेलरी मेकिंग कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए तो कंपनी टोटली ज्वेलरी के ऊपर डिपेंडेंट है। इसका मार्केट शेयर के हिसाब से बात करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं जो ऑर्गेनाइज ज्वेलरी मार्केट है। देखिए दो तरीके से ज्वेलरी मार्केट है, एक ऑर्गेनाइज है एक अनऑर्गेनाइज है, और इंडिया में अभी भी अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत बड़ा है। एक डेटा दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2001 में अनऑर्गेनाइज जो मतलब कंपनीज थे वो कितना था, 85% से 90%, और ऑर्गेनाइज प्लेयर कितना था, 10% से 15%। और 2022 तक वो मतलब घट के अनऑर्गेनाइज घट के कितना हो चुके हैं, 62%, और ऑर्गेनाइज प्लेयर कितना हो चुके हैं, 33%। अभी भी देखिए 2026 तक ये डेटा बनेगा अनऑर्गेनाइज 53% और ऑर्गेनाइज 42% के आसपास, मतलब 50-50% भी होने में शायद 2030 तक लग सकते हैं। तो कितने बड़े मार्केट प्लेस है ऑर्गेनाइज प्लेयर के ऊपर, क्योंकि धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ज्वेलरी के ऊपर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन चेंज कर रहा है, तो जिसके चलते हुए अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज जितने सारे कंपनीज हैं तो उसका तो धीरे धीरे करके बिजनेस बंद होने वाला है। तो जिसका फ़ायदा डायरेक्टली किसको मिलेगा, जितने सारे ऑर्गेनाइज प्लेयर है। तो मेरे हिसाब से कल्याण ज्वेलर्स के जो मार्केट शेयर है वो फ्यूचर में बढ़ने का चांसेस है, और अगर मार्केट बढ़ेंगे तो एक अच्छा खासा ग्रोथ भी होगा। देखिए ज्वेलरी एक ऐसे प्रोडक्ट है, कितने भी प्राइस हो, देखिए अगर आप 20 साल पीछे चले जाएंगे तब जो ज्वेलरी का प्राइस था तब भी सबके लिए बहुत ज़्यादा था, और आज भी तो बहुत ज़्यादा है, और 10 साल बाद भी इसका ज्वेलरी के प्राइस कई लाखों में चला जाएगा। तो क्या लोग ज्वेलरी खरीदारी नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, ज्वेलरी तो हमेशा खरीदारी करता ही रहेंगे, क्योंकि इंडिया के एक मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ज्वेलरी को देखते हैं, घर की औरतें ज्वेलरी को एज ए एसेट के हिसाब से देखते हैं, तो इसलिए वो ज्वेलरी खरीदारी भी करते हैं, और उसके समय 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 में उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। तो मुझे लगता है इस कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में दम है बहुत, क्योंकि दम के बारे में बात करो आप खुद ही देख सकते हैं, टाइटन जैसे बड़े कंपनी का सेल्स ग्रोथ 11% है, और कल्याण ज्वेलर्स का कितना, 26% का ग्रोथ क्वार्टरली हुआ, और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है, 5% टाइटन का नेगेटिव में था, और कल्याण ज्वेलर्स का कितना ग्रोथ हुआ है, 23%। तो सोचिए ग्रोथ कितना हाई लेवल में बढ़ चुके हैं। उसी तरीके से ROC बेस्ड है, और डेप्थ दोनों का सेम टू सेम है, फिर भी कल्याण ज्वेलर्स टाइटन से भी कम इसका देखा जाए तो डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स अच्छा होने के कारण कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा खासा, यहाँ पे सेल्स अच्छा खासा, एक्सपेंस और उससे अच्छा खासा नेट प्रॉफिट, ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव होने के कारण कंपनी के ऊपर एक बूस्ट तो मिलेगा, तो इसीलिए कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। तो जो लोगों का मुझे कमेंट्स था कि सर कंपनी लगातार भागते क्यों चले जा रहे हैं, देखिए कोई भी सेक्टर में कोई एक अकेला प्लेयर अगर सब कुछ ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके आगे बढ़े तो वो तो भागेगा ही। हाँ यहाँ पे कंपनी के ऊपर मुझे एक पैटर्न, मतलब एक नहीं दो दो पैटर्न यहाँ पे मिला है, तो उनमें से कौन सा पैटर्न एंट्री देगा वो देखना जरूरी है। जैसे पहले एक रेंज बना था बाइंग का, मतलब बाइंग का मतलब तीन तीन बाइंग कैंडल बने, इसको टोटल मैंने मार्किंग किया तो 24% का रेंज बने, जो मुझे चाहिए था 20% के ऊपर। तो इस रेंज के लिए मुझे चाहिए था, इस जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब मेरा एंट्री बनेगा, और इस हाई लेवल तक मेरा टारगेट बनेगा। तो एंट्री तो हुआ नहीं, तो नेक्स्ट फिर से एक बार एक रेंज क्रिएट हो गया, यहाँ पे दो कैंडल बने, इस दोनों कैंडल के हिसाब से यहाँ पे एक रेंज बना 27% के आसपास, और 27% के हिसाब से नीचे भी आ रहा है। अगर इस नीचे लेवल को टच करे, 500 लेवल को टच करे, तो जरूर यहाँ पे मैं कुछ डिसीजन लेने वाला हूँ, और इस हाई लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। अभी देखिए ये जो एंट्री और टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजीज है उस स्ट्रैटेजीज के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बातचीत करके ही काम करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का बात सुनकर आप काम कर रहे हैं तो आप एज ए टिप्स ले रहे हैं, और साथ ही साथ मैं कभी भी टिप्स देता नहीं हूँ, और दूसरी बात आप किसी की बात सुनकर काम कर रहे तो बुरी तरीके से फंस भी सकते हैं। तो देखिए मेरा व्यू क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है UPL। देखिए
यूपीएल इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल्स कंपनी है, और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में इस कंपनी के एक अलग सा मतलब दबाव था, मतलब अलग सा एक प्रेजेंस था। आज वो प्रेजेंस बहुत हद तक खराब खराब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, कंपनी का सेल्स एक टाइम 10,000 15,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज वो घट के 9,000 हो चुके हैं। पिछले सालों में 8,900 था, मतलब जो सेल्स का ग्रोथ है वो यहाँ पे कम हुआ है। अभी उसी तरीके से अगर मैं एक्सपेंस के डेटा के बारे में बात करूँ तो 7,700 से लेकर 7,900 तक बने, मतलब एक्सपेंस भी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जिसके चलते प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव होने के उल्टा हो गया, मतलब पॉजिटिव नहीं हुआ, उल्टा लॉसेस हो गया। तो आप कहेंगे सर ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 1,200 करोड़ से 1,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट दिख रहा था। तो एक्चुअली कंपनी के लॉस होने के पीछे रीज़न कुछ अलग है। रीज़न कुछ ऐसे है कि कंपनी ने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, मतलब इतना ज़्यादा लोन लिया, जिसके कारण 900 करोड़ तक इंटरेस्ट देना पड़ा, और उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन भी बढ़ गए, और जिसके चलते कंपनी का टैक्स भी देना पड़ा। सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है। देखिए पिछले सालों में भी लॉसेस देखने को मिलता था, मतलब मिलना चाहिए था। क्यों लॉसेस नहीं हुआ? क्योंकि कंपनी ने टैक्सेस नहीं दिया, तो जिसके चलते कंपनी का लॉसेस देखने को नहीं मिला। तो कंपनी की आज हालत ख़राब है, हालत मतलब थोड़ा सा सिचुएशन बिगड़ चुके हैं। क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस जो है वो, अगर आप इस बिजनेस को समझे मार्केट शेयर वाइज अगर आप देखेंगे, तो कंपनी देखिए एल्यूमिनियम फॉस्फेट जो है उसके ऊपर 25% ग्लोबली मार्केट में इसका एक प्रेजेंस है, और 8% क्रॉप प्रोटेक्शन के ऊपर ग्लोबली मार्केट में इसका मार्केट शेयर है। साथ ही साथ 14% क्रॉप प्रोटेक्शन इंडिया में इसका मार्केट शेयर है, क्रॉप प्रोटेक्शन और लैटिन अमेरिका में 9.5% के आसपास है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो मार्केट मार्केट कैप वाइज अच्छा खासा प्रेजेंस कंपनी बना चुका है। तो जिसके चलते है जो लोग सोच रहे कंपनी बेकार है, तो उसके लिए बता दूं आज नहीं तो कल कंपनी फिर से रिकवरी जरूर करेगा। और ये मैं सिर्फ नहीं बता रहा हूँ, अब बड़े बड़े प्लेयर आप देख सकते हैं, जैफरीज जो वर्ल्ड की एक बड़े इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने खुद कहा कि यूपीएल प्राइस टारगेट 665 रुपीज़ तक जाने वाला है। अभी 665 रुपीज़ कहाँ तक है? 665 रुपीज़ का मतलब है करीबन करीबन कुछ इस तरीके से लेवल्स में। अगर इस लेवल को मैं मार्किंग करूँ तो कुछ इस तरीके से लेवल्स में जो टारगेट यहाँ पे मतलब जेफरीज ने रखा, उस लेवल तक जाने का कोशिश करेंगे। अभी मुझे भी लग रहा है कि उस लेवल तक जाने का कोशिश होगा, क्योंकि कंपनी देखिए जिस तरीके से यहाँ पे बिग क्रैश क्रैश हुआ था, उसके बाद कंपनी के ऊपर मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, 200 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक करेगा, एक बार रिटेस्ट करने के बाद फिर से बाउंस बैक कर सकते हैं। अभी देखिए इतना आसान तो नहीं है कंपनी में ऊपर जाने के लिए, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है। तो अगर यहाँ पे बाइंग होगा तो बड़े इंस्टीट्यूशन बाई नहीं करेंगे, पब्लिक इस कंपनी के ऊपर बाई करके ऊपर लेके जा सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए एस्ट्रल का तो मतलब पूरा के पूरा पासा ही पलट गया, लगातार एस्ट्रल गिरते चले जा रहे हैं। तो लगातार एस्ट्रल गिरते चले जा रहे हैं, ये एक मेरे हिसाब से वीकनेस पॉइंट है किसी भी कंपनीज के लिए, क्योंकि लगातार गिर जाना किसी भी कंपनीज का एक वीकनेस पॉइंट माना जाता है। अभी इतना वीकनेस पॉइंट क्यों हुआ है, सबसे पहले मैं आपको चार्ट को दिखा दूं। देखिए कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ देखने को मिला, और सेल ऑफ होने के पीछे रीज़न भी है क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज यहाँ पे बना है उसी स्ट्रैटेजीज के बेसिस में कंपनी के ऊपर कप बने, उसके बाद हैंडल पैटर्न बने, फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी के ऊपर बिग बाउंस हुआ, उसके बाद बिग क्रैश हो गया। अभी बिग क्रैश होने के बाद कंपनी के ऊपर इसी तरीके से मतलब डेटा से ही कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं। मतलब यहाँ से कंपनी ऊपर जाने के बाद कहाँ तक जा सकते हैं? कंपनी का जो मैं लेवल लेकर चल रहा हूँ 2657, मगर हुआ कुछ उल्टा, ऑलरेडी मुझे यहाँ पे लॉसेस देखने को मिल रहा है। तो क्या मैं इस कंपनी से बाहर हो जाऊँगा कि एग्जिट कर लूँगा? ऐसे बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, मुझे लगता है जो लेवल निकल कर रहा है वो लेवल 1738 जो लेवल है, इसका स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल यही इसी कहूँगा, क्योंकि इसी सपोर्ट से ही कंपनी एक बाउंस किया है, मतलब यहाँ पे सपोर्ट कम डिमांड जोन भी है, तो इसी लेवल को टच करने के बाद वो बाउंस बैक कर सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है, आपका व्यू कुछ अलग हो सकता है। तो कोई भी अगर आपको अलग व्यू है तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो क्या सही में इस कंपनी खराब हो चुके हैं?
देखिए, सबसे पहले मैं वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो पी रेशियो बहुत हाई है। जरूर कहूँगा पी रेशियो हाई है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि खुद के पी रेशियो तो 90 है, खुद के एवरेज पी रेशियो भी तो 90 है, मगर कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से कंपनी 3 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक वीकनेस पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये भी है कि कंपनी का जिस तरीके से सेल्स बढ़ना चाहिए था उतना सेल्स हुआ नहीं, क्योंकि 1600 करोड़ से 1300 करोड़ तक कंपनी का सेल्स दिखे। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 119 करोड़ से 120 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले। तो सिचुएशन का अगर समझा जाए तो कंपनी के ऊपर जो प्रेशराइज है वो प्रेशराइज अभी भी बनता हुआ देखने को मिले, और यही एक कारण है जिस कारण के चलते हैं कंपनी के ऊपर बिग सेलिंग देखने को मिला। बाकी क्या इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर माल बेचकर भाग रहा है? देखिए बिल्कुल नहीं। इंस्टीट्यूशन मतलब म्यूचुअल फंड ने 7.92% से होल्डिंग को बढ़ाकर 8% कर दिए। FIIs ने 16%, 14%, 13% होल्डिंग कर दिए थे, मतलब माल बेच रहा था, वो फिर से 13% से आज 22% तक होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो माल बेच कौन रहा है? माल एक्चुअली बेच रहा है पब्लिक। आप इसी हिसाब से कंपनीज के ऊपर उतना ज़्यादा टेंशन मेरे पास नहीं है, मतलब मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जिस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली बाई कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होगा। बाकी आपके क्या राय है इस जरूर कमेंट्स करके बताना। और देखिए, मैं सारे वीडियोस एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ आपके साथ, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी भी कंपनीज के ऊपर बाय सेल करना चाहते हैं तो एक बार आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ बातचीत करके ही काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा कर, उसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जिसको हम लोग CDSL नाम से जानते हैं। तो CDSL के ऊपर कंपनी का जल्द से जल्द 1:1 का बोनस का अनाउंसमेंट मिल चुके हैं। जल्द से जल्द एक के बदले एक शेयर बोनस मिलेगा, और उसका डेट भी आ चुके हैं 23rd of August, मतलब आज से लेकर 3 दिन के मतलब तीन तीन दिन के बाद आपको इसका एक के बदले एक स्प्लिट मिल जाएगा। तो वीडियो जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।